मैं तो फहद से कब से कह रही थी कि आपको ड्रामा करना चाहिए, टीवी स्क्रीन पे आना। अच्छा लगा आपको हनी सिंह के साथ काम कर। अभी एक म्यूजिक वीडियो आ रही और ये यो हनी सिंह ने डायरेक्ट भी, साथ साथ जो मैंने उसके साथ गाना रिकॉर्ड ट्रैक किया है, जो गाया है एज अ सिंगर, वो इंशाल्लाह फरवरी या मार्च में आएगा। मम्मी कहती है कि अब तुमने शादी भी करनी है कभी ना कभी। हमारे हीरोज को आप देखें किस जैसा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो अलग ही होगा, सबसे अलग, सबसे जो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत महविश हयात। और महविश ये बताइएगा कि कभी मैं कभी तुम, फहद आपके साथ भी काम कर चुके हैं, फहद जब भी आते हैं स्क्रीन पर छा जाते हैं, क्या कहेंगी आप? ड्रामे ने दुनिया भर में लोगों के दिल जीते। भाई मैं तो फहद से कब से कह रही थी कि आपको ड्रामा करना चाहिए, टीवी स्क्रीन पे आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फैंस हैं मेरे भी, उनके भी, जो हमें वेट करते हैं, हमारा वेट करते हैं टू सी अस ऑन द स्क्रीन। तो फाइनली फहद ने किया और आप देख रहे हैं जो उसका रिस्पॉन्स है, जिस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, माशाल्लाह, इट्स सच अ बिग सक्सेस। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, फॉर द एंटायर टीम, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट। अच्छा मैं भी ये बताइए, हनी सिंह के साथ जो आपने प्रोजेक्ट किया, लोगों ने यहाँ पर तो बहुत सराहा, जाहिर है वहाँ पर, इसकी तफसीलात क्या है, कैसा लगा आपको हनी सिंह के साथ काम? तफसीलात ये है कि अभी एक म्यूजिक वीडियो आ रही है जिसमें मैं फीचर्ड हूँ उनके ग्लोरी एल्बम की, विच इज अ ह्यूज सक्सेस ऑलरेडी। उसकी म्यूजिक वीडियो आ रही है विद मी एंड हिज ब्लड ब्रदर्स इन इट, इट्स कॉल्ड जट मैकमा। और ये यो हनी सिंह ने डायरेक्ट भी किया है, तो उनका पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है। साथ साथ जो मैंने उसके साथ गाना रिकॉर्ड ट्रैक किया है, जो गाया है एज अ सिंगर, वो इंशाल्लाह फरवरी या मार्च में आएगा। क्या बताना चाहेंगे हनी सिंह के हवाले से? हम लोग तो उनको phenomenal, he is a superstar, phenomenal, incredible, जो है वो उनको कौन नहीं जानता, he is such a big star। और उनके साथ काम करके मैंने खुद, मेरे लिए इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि ही इज सच अ जीनियस, ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। लास्ट के 6 महीने पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया जब आंटी के साथ, तो मैंने शादी का सवाल किया, आपने कहा नहीं 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 नहीं, अभी आप सोचना शुरू हो गए। हाँ, सोचना शुरू किया यार, थोड़ा बहुत, आई मीन इस तरफ सोचूंगी तो ध्यान दूंगी, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अब तुमने, मतलब ऐसा नहीं है, शादी भी करनी है कभी ना कभी। सो अभी सोचना शुरू किया है, लेट्स सी। वैसे आपकी पसंद का लड़का कैसा हो सकता है? यार बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि सिर्फ एक एक चीज़ नहीं होती ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि वो इंसान कैसा है, सेल्फ मेड है, अपनी लाइफ में कितना जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैसा है, गुस्से में है तो कैसा है, आई मीन एक इंसान की पर्सनालिटी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हमारे हीरोज को आप देखें किस जैसा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो अलग ही होगा, सबसे अलग, सबसे जुदा। हुमायूं सईद के साथ कब दिखाई दे? अभी उनका अपना एक फिल्म की प्रोजेक्ट चल रही है, तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईयर समथिंग वी विल बी डूइंग टुगेदर, कोई सरप्राइज ही होगा। बट अभी मैं खुद अलग फिल्म पे काम कर रही हूँ, अलग फिल्म पे काम कर रहे हैं, अब हम लोग मुकाबला करेंगे इस दफा। सर खलील साहब के साथ कब काम करें? डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, कोई मुझे ऑफर आती है तो मैं देखूंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।